हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपुस किचन। आज का रेसिपी बनाना कुकीज। इसके पहले भी मैं बनाना केक देख के रखा, आप लोग देख सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बनाना कुकीज बनाने को ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 3 पीस बनाना लिया, 1 बाटी मैदा, 2 चम्मच रवा, आधा बाटी पीटी शक्कर लिया। पीटी शक्कर आप लोग को नहीं मिलेगा तो नॉर्मल शुगर को पीस के रेडी कर सकते हैं। और 1 एग लिया, वेजिटेरियन एग स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच बटर लिया, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच वनीला एसेंस, थोड़ा सा मिल्क। ये मिल्क जितना डो बनाने को लिए ज़रूरत होगा उतना ही यूज़ करने का। एक बाउल ले लिया और बनाना को पहले छिलका निकाल के ले लेती हूँ। अभी मैश कर लूँगी मैशर के सहायता, ऐसे पोटैटो मैशर से अच्छी तरह से मैश करके बनाना को रेडी कर लेती हूँ। अभी बनाना मैश करके हो गया और जो एग लिया वो ऐड किया और बनाना को साथ अच्छी तरह से पहले मिला लूँगी। एक भी मिला के हो गया। अभी जो बटर लिया, मेल्टेड बटर, वो भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अभी जो पीटी शक्कर लिया वो ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिला लूँगी। बटर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए बटर भी प्रिफर कर रहा हूँ। आप लोग ऑयल से भी बना सकते हैं। पीटी शक्कर मिला के हो गया, रवा और मैदा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और मिलाते जाऊँगी और मिला के दो बना लूँगी। और बेकिंग पाउडर जो 1 चम्मच लिया था वो मैदा के साथ ही मैं ऐड करूँगी। ऐसे सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लिया। अभी जो वेनिला एसेंस लिया वो फ्लेवर बहुत अच्छा देगा, वो 1 चम्मच मैं यूज़ किया। और मिल्क मैं देखिए लिया था 1 ग्लास, लेकिन 1 स्पून ही मैं यूज़ किया डो बनाने को लिए। अभी सेट हो गया आटा, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। अभी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया और एक रोलिंग पिन ले लिया। अभी बेल के रेडी करूँगी। सूखा आटा डस्ट कर लिया, एक पार्ट लिया और ऐसे करके पहले रोटी का जैसे सर्किल बना लेती हूँ। ऐसे सर्किल बना के रेडी कर लिया। अभी कौन सा भी बहुत सारा टाइप का कुकी कटर आता है, कौन सा भी मोड लेके शेप दे सकते हैं। देखिए कितना आसानी से बन के रेडी हो गया। ऐसे सारे बना के एक प्लेट में मैं पहले रेडी कर लेती हूँ।
एक केक मोल्ड ले लिया और मैं माइक्रोवेव में 180 डिग्री में 10 मिनट रख के बनाना कुकीज बना के दिखाऊंगी। अब गैस ऑन करके ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया और सारे बेल के भी रेडी कर लिया, अब तलने के लिए रख देती हूँ। मीडियम लो फ्लेम में ही तलने का। दो साइड अच्छी तरह से पलट पलट के गोल्डन कलर करके तल के लेने का। फ्राई करके हो गया, देखिए कितना बढ़िया कलर आया। अभी निकल के एक पेपर टॉवल में एक्स्ट्रा ऑयल सोक करने के लिए रख देती हूँ। सेम प्रोसेस में बाकी सारे फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। ऐसे फ्राई करके निकल लिया। ये माइक्रोवेव में बनाया और ये मैं डीप फ्राइंग किया ऑयल में। दोनों ही खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। टेस्टी बनाना कुकीज बनके रेडी हो गया। फ्राइंग नॉन फ्राइंग दो टाइप का ही दिखाया। आप लोग को जो पसंद है वो बनाइए और आप लोग को अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।